सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपनी कहानी भेजनी है तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। हिमालय की बर्फीली चोटियों की तलहटी में, जहां सदियों पुराने देवदार हवाओं से बातें करते हैं, वहीं बसी है घाटी खामोश। नाम ही इसकी शांति का गीत गाता है, मानो वक्त वहीं थम गया हो। लेकिन इस खामोशी के परे छिपा है एक भयानक रहस्य, एक दुरात्मा जो सदियों से कैद थी पर अब जागने ही वाली है। कबीर सिंह एक युवा पुरातत्वविद जुनून से भरा हुआ अपने दल के साथ इस घाटी की खुदाई में लगा हुआ था। उन्हें भ्रमित पहाड़ी चित्रों के आधार पर इस प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले थे। उन चित्रों में एक राक्षसी आकृति अंकित थी जिसे ग्रामीण काल छाया कहते थे। कबीर इन कहानियों को हंसी उड़ाता था, लेकिन जमीन के नीचे दबी गुत्थी उसे बेचैन भी कर रही थी। एक हवादार शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, कबीर का कुदाल एक कठोर सतह पर टकराया। धूल हटाकर उसने पत्थर के दरवाजे का पता लगाया तो पुराने ग्रंथों से मिली जानकारी ने उसकी रूह को झकझोर दिया। ये दरवाजा काल छाया का कारागार था, जिसे देवताओं ने एक शक्तिशाली मंत्र से सील कर दिया था। उत्सुकता ने डर को हरा दिया था। कबीर ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया और हवा कांपने लगी, पहाड़ों की चोटियों पर बिजली कड़कने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, अंदर से स्याह अंधकार निकलने लगा, मानो वक्त का मुंह खुल रहा हो। अचानक कबीर के दल का एक सिपाही चीखते हुए पीछे हट गया। उसके चेहरे पर खौफ जमा हुआ था, आंखें बाहर निकलने को थी। उसने बताया कि उसने अंधकार में लाल चमकती हुई आंखें देखी है। कबीर का खून खौल उठा। उसने मंत्रों का उच्चारण और तेजी से करा, लेकिन हवा में हंसी गूंज उठी। एक भयानक कर्कश हंसी दीवारों पर बने चित्र घूमने लगे। राक्षसी आकृतियां जीवित हो गई। कबीर के साथियों ने तलवारें खींच ली, लेकिन वो अदृश्य दुश्मनों से लड़ रहे थे। धीरे धीरे उनके चेहरे पर भी पागलपन सा छा गया और वो एक दूसरे पर ही हमला करने लगे। कबीर अकेला पड़ गया और सिर्फ मंत्र ही उसका हथियार थे। लेकिन काल छाया पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। अंधकार से एक विशालकाय राक्षसी छाया निकली जिसमें लाल आंखें जल रही थी। धरती हिलने लगी और आकाश बिजली की कड़क से चिर गया। कबीर जानता था कि उसका मंत्र कमजोर पड़ रहा है। एक आखिरी हताशा में उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हिमालय की देवताओं से प्रार्थना करने लगा। उसकी पुकार सुनी गई। अंधेरे में एक सफेद रोशनी चमकी, जैसे कोई ज्योति प्रकट हुई हो। रोशनी के साथ ही एक दिव्य गायन भी हवा में भर गया। कबीर ने आंखें खोली तो उसके सामने खड़ी थी एक युवती। उसकी आंखों में तारे झिलमिलाते थे और चेहरे पर शांति चमक थी। वो थी हिमालय की आत्मा, जिसे कबीर की सच्ची भक्ति ने जगाया था। आत्मा ने काल छाया के सामने खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण किया। उसकी आवाज में अलौकिक शक्ति थी जिसने राक्षस को पीछे हटा दिया। लेकिन काल छाया हार मारने को तैयार नहीं था। वो दहाड़ता हुआ आत्मा पर झपटा, लेकिन वो बस उसे पार करके निकल गई, मानो आत्मा एक प्रकाश पुंज हो। हवा में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। प्रकाश और अंधकार की ताकतें टकराई। कबीर ने समझ लिया कि उसे भी कुछ करना है। उसने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। उसकी आवाज में उम्मीदों की धार घुल रही थी। धरती के नीचे से एक सफेद चमक उठी और एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रकट हुई। वो पहाड़ों की आत्मा थी जिसे प्राचीन मंदिर ने कैद करके रखा हुआ था। ऊर्जा धार के रूप में निकलकर काल छाया पर बरसी। राक्षस चीखता हुआ तड़पने लगा और उसका विशालकाय शरीर सिकुड़ने लगा। लेकिन वो अभी पूरी तरह से हारा नहीं था।
वो कबीर की ओर लपका और उसकी आंखों में हत्या की प्यास भरी थी। आखिरी पल में हिमालय की आत्मा कबीर के सामने आ गई और उसने कहा, मुझे छोड़ो कबीर, तुम उसका सामना करो, तुम्हें ही उसको रोकना है। और वो सफ़ेद रोशनी में कहीं विलीन हो गई। कबीर कांपता हुआ खड़ा था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने अंदर के डर को हराया और अपनी आखिरी सांस ली और मंत्र का उच्चारण करते हुए काल छाया की ओर बढ़ा और राक्षस उस पर झपटा। लेकिन कबीर ने उसे चकमा दिया। वो राक्षस के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ उच्चारण करता रहा। पहाड़ों से गूंजती हुई उसकी आवाज़ में अब विश्वास और दृढ़ता थी। हवा में प्रकाश पड़ने लगा, कालछाया तड़पने लगा और उसकी लाल आंखें धूमिल पड़ गई। विशालकाय शरीर छोटा और कमजोर होता गया। आखिर में जब कबीर का मंत्र समाप्त हुआ, कालछाया एक छोटी सी काली धुएं की आकृति में रह गया और वो चीखता हुआ ऊपर उठने लगा। लेकिन हवा में एक अदृश्य दीवार थी जो उसे सीमा पार नहीं करने दे रही थी। कबीर ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और जोर से चिल्लाया, यहां से दूर हो जाओ, खामोश घाटियों की शांति भंग मत करो। धुएं की आकृति तड़पती रही और फिर चीख के साथ अंधकार में गायब हो गई। पहाड़ों पर सुबह हुई और शांति की पहली किरण घाटी को नहला रही थी। कबीर जानता था कि काल छाया पूरी तरीके से मरा नहीं है, लेकिन कमजोर हो गया है। उसकी वापसी संभव है, लेकिन कबीर अब तैयार था। उसने हिमालय की आत्मा और पहाड़ों की ऊर्जा से एक ताबीज बना लिया जो उसे काल छाया से बचाएगा। कबीर ने खामोश घाटी को छोड़ दिया और अपने साथ प्राचीन मंदिर के रहस्य को लेते हुए वो निकल गया। वो जानता था कि दुनिया अब एक अलग जगह है, एक संतुलन बिगड़ चुका है, लेकिन वो अब अकेला नहीं था। हिमालय की आत्मा उसके साथ थी और उसे पता था कि वो जब भी बुलाएगा वो मदद करने के लिए तैयार होगी। कई साल बीत गए, कबीर एक गुमनाम जिंदगी जीने लगा। हिमालय की तलहटी में छोटे से गांव में उपस चुका था, लेकिन काल छाया की बुराई इतनी आसानी से खत्म नहीं हुई। अंधकार की फुसफुसाहट हवा में घूमती रहती थी, गांव वालों के बुरे सपनों में छाया करती थी। फसलें बर्बाद हो रही थी और जानवर पागल होकर भाग रहे थे। एक रात कबीर को एक भयंकर सपना आया। उसने देखा काल छाया एक पुराने खंडहर में छिपा हुआ है। उसकी दुष्ट आत्मा से प्राचीन राक्षस जाग रहे हैं। कबीर जानता था कि एक चेतावनी थी, उसे एक बार फिर से खामोश घाटियों की रक्षा करने के लिए उठना होगा। वो अपनी घर से निकलता है और ताबीज को कसकर पकड़ता है और अंधेरे में घूमता हुआ खंडहर तक पहुंचता है। खंडहर अंधकार में एक भूत की तरह खड़ा था। उसकी दीवारों पर भयानक नक्काशी हवा में कंपन पैदा कर रही थी। कबीर अंदर गया। हवा गीली और सड़ी हुई थी, प्राचीन बुराई की गंध से भरी हुई थी। राक्षसी आकृतियों की मूर्तियां पंक्तिबद्ध खड़ी थी और उनकी आंखें या उनकी खाली आंखें कबीर को भाप रही थी। अचानक एक गहरी दहाड़ हवा में गूंज उठी और काल छाया सामने आ गया। अब वो कमजोर जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध और बदले की लपटें जल रही थी। लड़ाई भयंकर थी। कबीर की चमकती हुई तलवार राक्षसों पर बरसी, लेकिन अंधकार से निकले जहरीले सांपों ने उसे रोकने की कोशिश करी। वो चकमा देता और ताबीज को कसकर पकड़ते हुए मंत्रों का उच्चारण करता। अचानक एक पत्थर ढह गया। धूल का गुबार हवा में भर गया। उसी धूल के गुबार में कबीर को एक प्राचीन पृष्ठ दिखाई दिया। उसके पत्तों पर प्राचीन भाषा में लिखे जादू के सूत्र थे, काल छाया को पूरी तरह से नष्ट करने का तरीका। उम्मीद की एक नई किरण के साथ कबीर ने उन सूत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। हवा में प्रकाश का तूफान उठा और अंधकार पीछे हटने लगा। काल छाया चीखता हुआ उसकी कमजोर आकृति सिकड़ने लगी। आखिर में जब सूत्र समाप्त हुए तो काल छाया एक धुएं की कण मात्र बचा जो गुस्से से फुफकारता हुआ हवा में भटक रहा था।
कबीर ने ताबीज की शक्ति को इकट्ठा करा और उसे धुएं पर छोड़ दिया। शक्तिशाली रोशनी के साथ धुआं हवा में घुल गया और काल छाया पूरी तरह से नष्ट हो गया था। खंडहर कांप उठा, अंधकार हवा में घुल गया। सूरज की पहली किरण खंडहर को नहलाती हुई आई और मानो एक बुरा सपना टूट गया हो। कबीर थका हुआ था, घायल था, लेकिन राहत और शांति से खड़ा था। उसने दुनिया को एक और अंधकार से बचा लिया था, पर उसने जान लिया था कि अंधकार के कई रूप हैं जो दुनिया को खदेड़ने के लिए तैयार हैं। वो अब एक रक्षक था, हिमालय की आत्मा का चुना हुआ योद्धा। कुछ साल और बीते, लेकिन काल छाया की फुसफुसाहट हवा में बनी रही। फसलें सूख गई और परछाइयां अदृश्य खतरों के तरह रेंगती हुई सी प्रतीत हुई, और परेशान करने वाले सपनों ने ग्रामीणों को परेशान कर दिया। एक अमावस की रात फुसफुसाहट चीख में बदल गई। पराजित छाया की राख से उत्पन्न राक्षसी आकृतियां पास के गांव में उतर गए। कबीर ठंडी चीखों से सतर्क होकर गांव की ओर दौड़ा। वो अकथनीय भयावता के दृश्य पर पहुंच गया। घर सुलगते खंडहरों में पड़े थे। धरती निर्दोषों के खून से लाल रंग में रंगी हुई थी। मुड़े हुए पंजे और नुकीले जीव गिरे हुए लोगों को खा रहे थे और उनकी आंखों में एक नरक की भूख चमक रही थी। कबीर के गले में घबराहट फैल गई, लेकिन एक युवा लड़की को एक भयानक जानवर द्वारा घेरते हुए देख उसका संकल्प प्रज्वलित हो गया। उसने अपना ब्लेड उठाया और उसकी मुट्ठी पर प्राचीन शिलालेख शक्ति से संपादित हो रहे थे। उसकी आंखें उस लड़की से मिली जो कि आतंक से भरी हुई थी, और उस मौन आदान प्रदान में उसे अतिक्रमणकारी अंधेरे के खिलाफ खड़े होने की ताकत मिल गई। आगामी लड़ाई छाया और स्टील की एक तलवार के बीच थी। कबीर का ब्लेड शिलालेख द्वारा सशक्त राक्षसी मांस के माध्यम से उकेरा गया था, लेकिन वो जीव अंतहीन लग रहे थे। उसी भय से पैदा हुए थे जो उन्होंने प्रेरित किया था। प्रत्येक गिरे हुए जानवर ने एक दर्जन से अधिक जानवरों को जन्म दिया, और उनके मुड़े हुए रूप उन बुरे सपनों को दर्शाते हैं जिन्हें उन्होंने जन्म दिया था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, कबीर पर निराशा हावी होने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी छाती पर अतिक्रमण कर रहे अंधेरे के खिलाफ तबीज चल रही है, जो भयावह निराशा के बीच आशा की किरण है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हिमालय की आत्मा को याद करने लगा। उसके साहस की फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंज रही थी। उस आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए कबीर ने खताश शीख निकाली और एक मंत्र जो घाटी में गूंज रहा था। पृथ्वी कांप उठी और उसके चारों ओर हवाएं चलने लगी। उसके ब्लेड पर लिखा शिलालेख भड़क गया, जिससे अंधेरी रोशनी ने अतिक्रमण करने वाली छाया को गायब कर दिया। राक्षस चिल्लाने लगे और उनके रूप पूरी तरह से गायब होने से पहले स्याह काले धुएं बदल गए। भौर हुई और आकाश को विजय के हल्के रंगों ने रंग दिया। गांव खंडहर हो चुका था। हवा में मौत की भारी दुर्गंध थी, लेकिन जीवन अभी भी राख के बीच टिमटिमा रहा था। जीवित बचे लोगों के बीच कबीर खड़ा था, एक भयानक रात के निशान सहते हुए एक थका हुआ योद्धा। वो जानता था कि राहत अस्थाई है। काल छाया का सार बिखरा हुआ है, लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। सूरज की लाल आंखें क्षितिज पर डूब चुकी थी और पहाड़ों की छाया घाटी को निगलने लगी थी। कबीर खामोश घाटी की ओर दौड़ रहा था और उसके कानों में अभी भी मासूमों की चीखें गूंज रही थी। गांव अब राख का ढेर बन चुका था और हवा में मौत की सड़ी गंध धुल रही थी। राक्षसी पशु उसी दुष्ट शक्ति से जन्मे जो उसने सालों पहले दफनाई थे, पेरामी से तबाही मचा रहे थे। कबीर के हाथ तलवार पर कांप रहे थे, लेकिन आतंक के इस तूफान के बीच एक ज्वाला जल रही थी उसके अंदर। वो थी उसकी जिम्मेदारी की। वो उन लोगों का रक्षक था, उनके सपनों का पहरेदार। उसने खुद को संभाला और ताबीज को कसकर पकड़ा और धधकते खंडहरों की ओर बढ़ा। अंधकार में राक्षसी आकृतियों के नुकीले पंजे उसके रास्ते में रोड़े बनकर खड़े थे। उनकी लाल आंखें भेड़ियों की तरह उनका सामना करती। एक क्षण के लिए लगा कि वो जीत रहा है। उसके ब्लेड की चमक ने अंधकार के दिल को चीरने की कोशिश करी,
लेकिन उन अंधकार से और राक्षस उभरते रहे, हर मृतदेह से कई गुना शक्तिशाली, मानो खुद शैतान उनमें समाया हो। निराशा कबीर को दबाने लगी, उसकी सांसें फूलने लगी और हथियार भारी होने लगा। उसने ताबीज को देखा, उसके अंदर से एक नीली रोशनी झिलमिलाती थी, आखिरी उम्मीद की चिंगारी। उसने अपना आखिरी मंत्र शुरू करा, शब्द जो बर्फीली चोटियों से सीखे थे, वो आवाज़ जो पहाड़ों को कपा सकती थी। हवा में तूफान उठा और प्रकाश और अंधकार की लड़ाई शुरू हुई। धरती कांपने लगी और आकाश बिजली की कड़क से चीर गया। मंत्र के शब्द तलवार से भी ज़्यादा तीखे बनकर राक्षसों पर बरसे और उनकी शक्लें बदलकर खौफनाक चीखों में घुलने लगी। आखिरकार जब मंत्र समाप्त हुआ तो केवल राख और गंधक की गंध हवा में रह गई। गांव भले बर्बाद हो चुका था लेकिन दुनिया बच गई थी। कबीर खंडहरों के बीच खड़ा था, थका हुआ, घायल लेकिन जिंदा। उसने एक और लड़ाई जीत ली थी लेकिन उसे यह भी पता था कि ये उसकी आखिरी लड़ाई नहीं थी। कुछ वक्त और बीता और कबीर सिंह ने खामोश घाटी की रक्षा के लिए कई बार अंधकार से लड़ाई लड़ी। हर बार वो जीतता था लेकिन वो जानता था कि अंधकार कभी भी हार नहीं मानने वाला। एक दिन कबीर सिंह को पता चला कि काल छाया फिर से जाग रही है। ये शक्तिशाली राक्षस था जिसे कबीर ने वर्षों पहले हराया था, लेकिन अब ये वापस आ रहा था दुनिया को नष्ट करने के लिए। कबीर सिंह जानता था कि उसे काल छाया को हराना होगा, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ थी हिमालय की आत्मा और उन सभी लोगों की यादें जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान दी थी। कबीर सिंह ने काल छाया से लड़ने के लिए तैयारी शुरू करी। उसने अपनी तलवार को तेज करा और अपने मंत्रों का अभ्यास किया और अपने भीतर की शक्ति को मजबूत किया। अंत में वो काल छाया से लड़ने के लिए तैयार था। वो खामोश घाटी के बीच में गया जहां काल छाया अपने सैनिकों के साथ इंतजार कर रहा था। लड़ाई भयंकर थी, कबीर सिंह ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करा, लेकिन काल छाया बहुत शक्तिशाली था। कबीर सिंह घायल हो गया लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में कबीर सिंह ने अपना अंतिम मंत्र शुरू करा। मंत्र के शब्दों ने हवा में तूफान उठा दिया और काल छाया को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन काल छाया हार नहीं मानने वाला था। उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया और कबीर सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया। कबीर जानता था कि वो मरने वाला है। उसने अपनी तलवार को उठाया और काल छाया पर एक अंतिम हमला करा। कबीर सिंह का वार काल छाया के दिल को छेद गया। काल छाया चीखता हुआ गिर गया और हमेशा के लिए नष्ट हो गया। कबीर भी दुनिया को छोड़ के चला गया, पर उसकी मौत ने दुनिया को बचाया, हालांकि एक भारी कीमत थी। कबीर सिंह एक योद्धा था और उसने अपनी जान देकर दुनिया को बचाया था। उसकी मृत्यु के बाद उसे एक नायक के रूप में याद किया गया और उसे खामोश घाटी का रक्षक कहा गया, और ये कहानी आज भी वहाँ के लोगों को प्रेरित करती है। उसे बुलाओ, अब केवल वही इस मंदिर के खजाने की सुरक्षा कर सकता है। इन ताकतों को रोकना अब हमारे वश में नहीं है, अब वही कुछ कर सकता है बेटी। पर राजपुरोहित जी, आपने तो कहा था कि उसे जगाना खतरे से खाली नहीं है। वो अपने सामने आने वाले हर एक शख्स का विनाश कर देती है, फिर क्यों हम उसे जगाएं? कोई और रास्ता ज़रूर होगा। तभी एक जोर के धमाके की आवाज़ हुई और मंदिर के सामने का विशाल काय फाटक गिर पड़ा। जल्दी जाओ बेटी, हमारे पास अधिक समय नहीं है बहस में गंवाने को। और यह ले जाओ। ये क्या है पुरोहित जी? यह ब्रह्म यंत्र है, उसे बुलाने का जरिया। इस पर अगर तुम्हारे राजवंश के किसी भी सबसे छोटे सदस्य का दो बूंद खून गिरा तो वो जाग जाएगा। वो इस मंदिर और उसके खजाने की सुरक्षा हेतु वचनबद्ध है। अब वही इन सभी बुराइयों को नष्ट कर सकता है। हम जैसे साधारण इंसान इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ, जाकर तहखाने में छुप जाओ बेटी, मैं किसी तरह से इन्हें रोकने का प्रयास करता हूँ। जाओ यहाँ से। उसके सामने कई दृश्य नाच रहे थे कि कैसे उन राक्षसों ने उसके परिवार को मंदिर के खजाने को उन्हें सौंप देने के लिए विवश कर दिया था, पर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी।
तो उस तांत्रिक ने उन्हें श्राप दे दिया, जिस वजह से उन सबका नाश हो गया था। केवल रिया ही रह गई थी, क्योंकि वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी। रिया उस राजवंश की सबसे छोटी सदस्य थी और आज ही अपने घर लौटी थी। आते ही उसके साथ वो सब हो रहा था। वो तांत्रिक यह जानता था कि राजवंश के किसी भी सबसे छोटे सदस्य का अगर दो बूंद खून गिरा तो वो जाग जाएगा। वो इस खतरे को मोल नहीं लेना चाहता था, अतः वो रिया को जान से मारना चाहता था। उसके साथ अत्यंत विकराल भूत पिशाच बेताल और कुष्मंडों की सेना थी, जो उसने अनेक वर्षों की सिद्धियों से प्राप्त करी थी। मैं आ रहा हूँ लड़की, उस तांत्रिक ने कहा। राजपुरोहित ने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, पर असफल होकर वो मृत्यु को प्राप्त हुए। और अब बारी थी रिया की। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ यक्षों और ब्रह्म राक्षसों की पूजा करी जाती है, और इन्हीं में से एक मंदिर का जिम्मा रिया के राजवंश ने उठाया था। उनकी कई पीढ़ियों ने इस मंदिर और उसके खजाने की बरसों से रखवाली करी थी, और आज भी ऐसा ही मौका था। पर इस बार खतरा पहले से कहीं अधिक था, क्योंकि एक तरफ केवल रिया थी जो उस ब्रह्म राक्षस को जगाने के पक्ष में ना थी, और दूसरी तरफ वो दुष्ट तांत्रिक और उसकी पूरी सेना। जाओ जाकर उसे ढूंढ कर लाओ, वह अत्यंत भयंकर भूत पिशाच और बाकी सभी चीज़ें हर दिशा में फैल गए और रिया को खोजने लगे, पर उन्हें सफलता ना मिली। अब केवल मंदिर ही बचा रह गया था जहां वो प्रवेश नहीं कर सकते थे। तुम सब यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ, तांत्रिक बोला। उसने मंदिर में घुसकर इधर उधर देखा, तभी उसे एक मूर्ति दिखी जो इस मंदिर के ठीक विपरीत दिशा में मुड़ी थी। तांत्रिक ने उस मूर्ति की दिशा बदली और सामने एक द्वार खुल गया जो सीधा तहखाने को जाता था। अब तांत्रिक तहखाने में पहुंच चुका था। रिया एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपी हुई थी और वो अत्यंत घबरा गई, और घबराहट में कुछ कंकड़ उसके स्थान से दूर जा उछले, जिससे उस तांत्रिक को भनक लग गई कि रिया वहीं है। अब उसने एक झटके में रिया को पकड़ लिया और तहखाने से घसीट कर बाहर ले आया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ये सब तुम्हें मार कर तुम्हारा भोग करेंगे, कहकर उस तांत्रिक ने उसे बाहर ढकेल दिया। बाहर का नजारा देख रिया के होश उड़ गए। आओ मेरी सेना, इस राजकुमारी का भोग स्वीकार करो, कहकर तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। पर तांत्रिक को ये नहीं पता था कि ब्रह्म यंत्र रिया के पास था, और वो ब्रह्म राक्षस को बुलाने का तरीका भी जानती थी। पर बात वही थी, वो उसे बुलाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो सब कुछ नष्ट कर देता। पर अब कोई चारा ना था, वो सभी भूत प्रेत बेताल और कुष्मुंड उसे घेर कर खड़े हो गए। रिया डर कर इधर उधर देखने लगी, तभी उसे याद आया कि तांत्रिक जब उसे घसीट रहा था तब उसका कुछ खून बह गया था। रिया ने जल्दी से खून की कुछ बूंदें उस यंत्र पर डाली, और तभी एक जोरों का धमाका हुआ। रिया बेहोश होने से पहले केवल एक बहुत विकराल जीव को ही देख पाई जिसके दो सींग थे। कुछ समय के बाद जब उसकी बेहोशी टूटी तब उसने देखा कि वो भयंकर जीव अन्य सभी पर भारी पड़ रहा था। वे सब चाहकर भी उससे नहीं लड़ पा रहे थे, और कुछ ही समय के बाद उस ब्रह्म राक्षस ने उन सबको बुरी तरह से हरा डाला और सबको चबाने लगा। कुछ ही देर में वो सबको मार चुका था। रिया ये विभत्स नजारा देखकर कुछ देर के लिए जड़ हो गई, और अब वो उस राक्षस की ओर बढ़ने लगी। तभी उससे एक लाल रोशनी आकर टकराई और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने उस दिशा में देखा तो तांत्रिक भयंकर गुस्से से उसे घूर रहा था। तूने मेरे सारे सैनिकों को मार डाला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मूर्ख राक्षस, मैं तुझे अपना सेवक बना। अब उसके सामने वो ब्रह्म राक्षस खड़ा था। मैं सारे भूतों का राजा हूँ और तू मुझे अपना सेवक बनाएगा, दुष्ट इंसान। उसकी आवाज़ से मानो ऐसा लगता था कि कोई चट्टान आपस में टकरा रही हो। उसने एक झटके से उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसे जोर से चबाने लगा और जोर से अट्टहास करने लगा। ये सब देखकर रिया डर से थरथराने लगी और उसने अपनी आंखें मीच ली। जब उसने आंख खोली तब एक बालक उसके सामने खड़ा था जो कि मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद मुझे मुक्त करने के लिए, मैं सदियों से इस मंदिर से बंधा हुआ था। मुझे श्राप मिला था कि जब तक मैं राजवंश की 400 वर्षों तक सेवा ना करूं तब तक मुक्त नहीं हो सकता।
मेरी प्रवृत्ति राक्षस की हो गई थी, अतः मैं ऐसा बर्ताव करने पर विवश था। अब मैं चलता हूँ। इस तरह उसने रिया से विदा ली और रिया सिर्फ उसे देखती रह गई। नदियापुर गांव में एक नई अजीब सी घटना हुई। अचानक से कई लोग खो गए, उनका कुछ पता भी नहीं चला। उनके बारे में अखबार में इश्तिहार भी दिया गया, किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। खबर टीवी में चल रही थी कि कल रात पति और पत्नी शमशान के पीछे वाली गली से दोबारा लापता हो गए, उनका कुछ पता नहीं चला। बात सच है या गलत, इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, लेकिन लोग बहुत डरे हुए थे। शमशान के पीछे वाली गली में लोगों ने जाना छोड़ दिया था। जो भी जाता था बहुत ही डर डर के जाता था, क्योंकि वही एक शहर तक जाने का मुख्य मार्ग भी था। जो भी शहर को जाना चाहता उसे शमशान वाले रास्ते से जाना ही पड़ता था। मैंने भी जब ये खबर सुनी तो मैं बहुत डर गया। मैं घर में बैठा टीवी देख ही रहा था कि फिर एक खबर आई कि शमशान के पीछे वाली गली से जा रहे दो लोग अचानक लापता हो गए। सारे गांव के निवासी बहुत डर गए और उनमें से मैं भी एक था। इस घटना को सुनकर मेरा दिल दहल गया था। एक दिन की बात है, मैं और मेरे दो दोस्त राहुल और कार्तिक उनके साथ घर निकल पड़े। लोगों के अचानक खो जाने की खबर से गांव के निवासी परेशान थे। कोई भी अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहा था। हम बहुत बोर हो गए थे और इसी बोरियत को दूर करने के लिए हम तीनों घूमने के लिए निकल पड़े। घूमने में मज़ा आ रहा था। फिर पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने कार्तिक और राहुल से कहा कि चलो हम भी देखें कि शमशान वाले रास्ते में ऐसा क्या है जो लोग वहां जाकर गुम हो जाते हैं, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं लगता और उसके बाद वो दिखाई भी नहीं देते। जैसे ही मैंने इतना कहा तो राहुल और कार्तिक ने बोल दिया हम वहां पर नहीं जाएंगे। फिर मैंने उन पर व्यंग्य करते हुए कहा कि तुम लोग कितने डरपोक हो जो दिन में भी किसी सुनसान गली में जाने से डरते हो। उन्होंने कहा कि वहाँ भूत है, वहाँ जाना सही नहीं। मैंने कहा भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब बस मन का वहम है। मैंने उनसे कहा यदि तुम नहीं चल रहे हो तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ। जैसे ही मैंने इतना कहा कार्तिक ने कहा कि नहीं यार मैं तेरे साथ चलूँगा, कहीं तुझे कुछ हो गया तो। उधर राहुल नहीं आ रहा था, फिर हम दोनों ने उसे डराया कि कहीं तुम यहाँ से अकेले घर गए तो बीच में ही तुम्हारे साथ कुछ ना हो जाए। इतना सुनते ही वो भी हमारे साथ चल दिया। डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन शमशान वाली रोड देखने के चक्कर में मैं सब कुछ भूल चुका था। धीरे धीरे घूमते हुए हम सब गली नंबर 2 को छोड़कर तीसरी गली में से होकर शमशान वाली सड़क पर निकल पड़े। उस सड़क में जैसे ही हम घुसे तो राहुल ने फिर से बोला हमें यहाँ नहीं चलना चाहिए, वहाँ बहुत से लोग गए हैं, कोई लौट कर वापस नहीं आया, उनके बारे में किसी को पता तक नहीं चला कि वो कहाँ गए, जमीन खा गई या आसमान निकल गया, पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही है। चलते चलते हम सड़क के बीच में पहुंचे और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि जहाँ पर हम तीनों के पैर थे वहाँ की सड़क में कुछ ढक्कन सा खुल गया और हम तीनों मानो उसके अंदर गिर गए। अंधेरा बहुत था, जैसे हम नीचे गिरे सड़क में लगा ढक्कन बंद हो गया। राहुल तो रोने लगा और कार्तिक भी बहुत डर गया। राहुल ने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम ही लोग बहुत जिद कर रहे थे, अब फंसवा दिया ना मुसीबत में। मैंने कहा कि अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं, बाहर निकलने का उपाय सोचो। फिर मैंने इधर उधर देखा लेकिन आंखों से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से किसी की आवाज़ आने लगी। एक विचित्र वेशभूषा वाला शैतान हमारे सामने आ रहा था। उसके हाथ में खून लगा था और पेट में एक बल्ब की तरह रोशनी देने वाला कुछ लगा हुआ था, पता नहीं क्या। हम तीनों बहुत डर गए थे और उसने दोनों हाथों से हमें झपटा और उसके नाखून बहुत बड़े थे, दांत लंबे और नुकीले थे। हम तीनों को दोनों हाथों से उसने जकड़ लिया और गुफा के अंदर ले जाने लगा। हम तीनों का पसीना छूट रहे थे। मैं तो इतना डर गया था कि सोचने लगा कि अब क्या होगा, क्या यही हमारे जीवन का अंत है और हम तीनों को क्या ये मारकर खा जाएगा। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और अब कुछ आगे उजाला था। मैंने देखा
तो आदमियों के शरीर इधर उधर पड़े हुए थे और हर जगह बस खून ही खून था। राहुल का अब और बुरा हाल हो गया था और वो बेहोश हो चुका था। उस शैतान ने हम तीनों को पटक दिया और गुफा के कमरे में घुसा और एक चाबी निकाल कर लाया और हमें उठाकर चल दिया। वो चलकर सुरंग में सबसे लास्ट में पहुंचा और वहाँ एक दरवाज़ा था, उस पर ताला लगा था। उसने उस चाबी से दरवाज़ा खोला और फिर हमने देखा तो वो एक बंगला दिख रहा था। बंगले के गेट के ऊपर एक आदमी का सिर लटक रहा था। वहाँ गुंबद के ऊपर पैर में एक रस्सी बंधी थी जिससे वो लटका हुआ था और वह जगह जगह से खाया गया था। शैतान हमें उस बंगले के अंदर ले गया। बंगले में एक जगह पहले जाकर उसने हमें छोड़ दिया और एक मूर्ति के सामने जाकर पूजा करने लगा। वो कुछ तेज तेज मंत्र पढ़ रहा था। हम तीनों बहुत डर गए और फिर मूर्ति के सामने बैठकर वो बोला, आज भी माँ मैं तेरे लिए चढ़ावा लाया हूँ, और एक नहीं पूरे तीन तीन। आज मैं तुझे खुश कर दूंगा, आज मैं इनकी बलि दूंगा। फिर वो शैतान हमारी ओर मुड़ा और ज़ोर ज़ोर से हंसकर बोला, आज मैं तुम्हारी बलि देकर इस बंगले में तीन और भूत बना दूंगा। तुम देख रहे हो ना, इन आदमियों को मैंने भूत बना दिया इनके जीवन को समाप्त करके, तुम्हें भी ऐसा ही करूँगा। इतना कहकर वो अपनी तलवार उठाने लगा और बड़े ज़ोर से हंसकर हमारे पास में आने लगा। हम तीनों बहुत डर गए थे और पसीने से तरबतर हो गए थे। हमारी सांसें तेज तेज चल रही थी और हम जोर जोर से रोने लगे। वो शैतान हमारे पास आया और बोला कि पहले किसे मारूं। हम तीनों डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए और फिर उसने मेरी ओर इशारा करा, पहले इसे मारूंगा। वो मेरी ओर तलवार लेकर बढ़ा और मेरे गले पर प्रहार करने ही वाला था। अचानक मैं नींद से उठ खड़ा हुआ तो मैं पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। मुझे एहसास हुआ कि मैं बस एक सपना देख रहा था। मैं डर कर बैठ गया और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने सोचा कि यदि ये सपना सच होता तो आज तो मेरी मौत तय थी। मेरा नाम अनुज है और मैं असम के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। हमारा गांव असम और मेघालय के बॉर्डर के काफ़ी करीब है। वैसे तो अभी साल 2008 से मैं गुवाहाटी में रहता हूँ मम्मी पापा और बहन के साथ। ये जो घटना जो आपको बताने जा रहा हूँ ये साल 2018 के अगस्त की है। उस टाइम पर घर में थोड़ी दिक्कतें चल रही थी और इसी सारे तनाव के बीच परेशान होकर मैं घर से नाराज़ होकर अपने गांव की तरफ चला गया। उस टाइम पर मेरे आसपास रहने वाला हर व्यक्ति एक वाटरफॉल के बारे में बताते थे। ये और कोई नहीं सिलडूबी वाटरफॉल है जो कि मेरे गांव से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं हमेशा ही अपने गांव वाले दोस्तों से कहता था कि चलो किसी हम लोग प्लान बनाकर वहां पर चलते हैं, पर पता नहीं किस वजह से वो सब लोग बोलते थे कि अभी वहां पर नहीं जाना चाहिए, अभी वहां पर कोई रहता है जो कि इंसानों की गर्दन काट देता है। ये बात सुनकर मुझे भी उतनी हैरानी हुई जितनी आपको हो रही है। अब हैरानी कहिए या जिज्ञासा। 3-4 दिन के बाद मैं खुद ही साइकिल से वहां पर जाने के लिए निकल पड़ा। लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास मैं अपने घर से निकला और वहां पहुंचते पहुंचते मुझे शाम के 4:30 लगभग बज गए थे। जब मैं वहां वाटरफॉल के बिल्कुल पास में पहुंचने वाला था तभी एक बॉयज़ के ग्रुप ने मुझे रोक लिया और उन्होंने सीधा पूछा कि मैं कहां जा रहा हूं। तो मैंने भी उन्हें बता दिया कि मैं सिलडूबी वाटरफॉल देखने जा रहा हूं। तब उनमें से जो एक व्यक्ति था उसने मुझे उसी सिर काटने वाले आदमी के बारे में बोला और कहा कि अभी वहां जाना मना है। ऐसा कहकर उसने मुझे वहां से वापस भेज दिया। वहां से अब मैं थोड़ा आगे आ गया था। शाम के लगभग 5:30 बज गए थे और तब मुझे थोड़ा आगे एक आदमी और एक औरत दिखाई दिए। उनके हाथ में कुछ लकड़ियाँ थी और वो पहाड़ी के ऊपर की साइड जा रहे थे। उन्हें देखने के बाद मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास जो लकड़ियाँ थी मुझे उसके ऊपर कुछ खून का दाग सा दिखाई पड़ रहा था। अब मुझे नहीं पता था कि ये मेरा वहम था या फिर ये कुछ और था या फिर ये वही था जो मैं समझ रहा था। एक और बात जो कि काफ़ी अजीब थी वो ये कि इस पहाड़ी पर मैं अपनी साइकिल को भी धक्का मार मार के जैसे जैसे ऊपर चढ़ा रहा था, बट वो आदमी जो ऊपर जा रहा था
वो एक पूरी की पूरी ठेला गाड़ी को, जिसके ऊपर लकड़ियां लदी हुई थी, उसे अकेले ही खींचकर ऊपर ले जा रहा था। मैंने उन्हें देखकर अपनी चलने की चाल थोड़ी बढ़ा दी और मैं धीरे धीरे उनके करीब जाने लगा। पर जब मैं उनसे थोड़ा पीछे था तब मुझे एक जोर का झटका लगा। अभी वो मेरे थोड़ी आगे ही थे कि तभी एकदम से वो आदमी रुका और उसने मेरी ओर बिना देखे बोला, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मेरे मन में सबसे पहले यही ख्याल आया कि आखिर इसने मुझे देखा कब और बिना देखे से कैसे पता कि मैं इसके ठीक पीछे हूँ। जितना मैंने गांव वगैरह में सुना था मुझे यही पता था कि भूत प्रेत के पैर उल्टे होते हैं, इसीलिए मैं अब उनके पैर देखने लगा। बट एक तो शाम का अंधेरा हो चला था और दूसरी बात वो आदमी ठेला गाड़ी खींच रहा था और वो जो औरत थी उसने असामी साड़ी पहनी हुई थी, इस वजह से मैं उनके पैर नहीं देख पा रहा था। मैंने सोचा कि अब मैं इनसे आगे निकल जाता हूँ और यही सोचकर मैं उनको साइड से उन्हें पास करने लगा। उस टाइम पर एकदम से ही मेरी नज़र उस आदमी के हाथ में गई जिसके हाथ में एक चाकू था और तभी मेरी नज़र एकदम से उसकी गर्दन पर भी गई और मैंने देखा कि उसकी गर्दन पर एक गहरा दाग था। मैंने जैसे ही ये देखा मैं एकदम से वहीं पर स्थिर हो गया। जैसे ही मैंने ये देखा मेरे होश उड़ गए थे। मैंने अपनी साइकिल को बहुत तेज़ी के साथ वापस उल्टा घुमाया और क्योंकि अब मैं ऊंचाई पर था तो साइकिल आराम से नीचे जाने वाली थी। यही सोचकर मैंने ना आओ देखा ना ताओ और अपनी साइकिल के साथ पूरी स्पीड से नीचे आने लगा। बट तभी मैं देखता हूँ कि वो आदमी और औरत मेरे पीछे भागते हुए आ रहे हैं और इतनी तेज़ी से कि वो मेरी स्पीड को भी क्रॉस करने वाले थे, जबकि मैं ढलान से अपनी साइकिल से नीचे आ रहा था। वो तो पता नहीं कैसे मेरी किस्मत अच्छी थी कि थोड़ा नीचे आने के बाद मुझे आगे कुछ लोग दिख गए जो कि एक दुकान के पास थे। मैंने अपनी साइकिल को फौरन उसी ओर मोड़ा और सीधा वहाँ पर जाकर ही रुका। उसके बाद वहाँ रुककर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उन आदमी और औरत का मुझे नामो निशान नहीं मिला, यानी मुझे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। वहाँ पर जो लोग खड़े थे उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ है। उनमें से एक अंकल जो कि हमारे गांव की तरफ जाने वाले थे उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे लिफ्ट दे दी और उसके बाद मैं उनके साथ ही अपने घर गया। इसके अलावा पहाड़ से नीचे आते समय साइकिल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। घर आने के बाद मेरे दादाजी ने मुझे बहुत डांटा साइकिल की वजह से ही, बट मैंने मेरे साथ जो घटना हुई उसके बारे में और किसी को भी नहीं बताया। उस आदमी के गले पर जो जख्म था उसका चित्र मेरे दिमाग में एकदम पस सा गया है और जैसे ही मैं उसके बारे में सोचता हूँ मुझे बेहद डर लगता है और मुझे ये लगता है कि उस दिन किसी अनहोनी से मैं बहुत ही ज़्यादा करीब से लौटा था। रौनक के पापा एक ऑफिस में काम करते थे। रौनक का परिवार शहर में किराए के मकान में रहता था। रोज़ रोज़ मकान मालिक के नखरे से परेशान हो चुके थे वो लोग। कभी मकान मालिक कहता कि बच्चा ज़्यादा शोर कर रहा है तो कभी कहता कि घर साफ नहीं रहता। एक दिन रौनक के मम्मी पापा ने निर्णय लिया कि अब हम अपना घर खरीदेंगे और उन्होंने पैसों का हिसाब लगाना शुरू करा। अगले दिन रौनक के पिता शहर में मकान की खोज में निकल पड़े और उन्हें अनेकों घर देखने के लिए मिले। उन्हें शहर से थोड़ी दूर पर एक हवेली पसंद आ गई जो कि उनके बजट में भी थी, क्योंकि उसका मकान मालिक उसे बहुत ही कम दाम पर बेच रहा था। रौनक के पापा ने सोचा कि चलो ये हवेली बड़ी है लेकिन कोई बात नहीं, हवेली में एक दो किरायेदार भी रख लेंगे और खुद भी रहेंगे, किरायेदारों से किराया भी आता रहेगा और हवेली की साफ सफाई भी होती रहेगी। हवेली का मोल भाव करके जब वो घर आए तो उन्होंने घर पर इस बारे में चर्चा करी और फिर निर्णय लिया कि कल ही हवेली को वो लोग खरीद लेंगे और दो तीन दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। रोज़ रोज़ की मकान मालिक की खटपट से तो छूट मिल जाएगी ना। हवेली को खरीद कर किराए के घर से जब रौनक का परिवार अपनी गाड़ी से सामान ले जाकर हवेली में रखते हैं तो उन्हें काफ़ी अजीब सा अनुभव होता है। कभी दरवाजे खुलते हैं तो कभी अजीब सी आवाज़ें आती हैं, खिड़की में कभी अजीब परछाई दिखती है तो कभी कुछ और। एक बार अचानक एक झूमर रौनक के बगल में आकर धड़ाम से गिर पड़ा, वो चौंक गया और फिर बिल्ली के रोने की आवाज़ आई।
तो रौनक काफ़ी घबरा गया। रौनक अपनी मम्मी से लिपट गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। रौनक के पापा ने सामान को एक कमरे में रख दिया और उसके बाद हवेली की सफाई करने में लग गए, क्योंकि कई दिनों से हवेली बंद थी, इसीलिए वहाँ पर जाले वगैरह हुए पड़े थे। उनमें मकड़ियाँ दौड़ रही थी और साफ सफाई करते करते रात हो गई। दिन भर की थकान के बाद तीनों लोग सो गए और रात के समय एकदम से ही रौनक की नींद अचानक से खुल गई। उसने देखा कि टेबल पर रखा लैंप हिल रहा है और घड़ी चलने के बजाय कभी रुकती तो कभी चलती। पर्दे भी अजीब तरह से हिल रहे थे, मानो कोई आकृति बना रहे हो। तभी उसने नीली आंखें किए हुए अपनी ओर एक बिल्ली आते देखी। वो डर गया और डर कर अपनी मम्मी के पास आकर लिपट कर लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी नज़र दीवार पर गई तो उसने देखा कि उसके पापा के कपड़े जो खूंटी पर टंगे हुए थे वो खुद ही हटकर दूसरी खूंटी पर टंग गए। ऐसा देखकर वो काफ़ी घबरा गया और उसने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा जाग गए और उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो रौनक ने उन्हें सारी बात बताई। उसके पापा ने बोला, रहने दो बेटा, ये तुम्हारा भ्रम है, कोई बुरा सपना देखा होगा तुमने। रौनक कहता है, नहीं पापा, ऐसा ही हुआ था। फिर उसके पापा इधर उधर गए लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, तो लौट कर वापस आ गए और रौनक को अपने साथ पकड़कर लेट गए। पापा तो उसके लेटते ही सो गए लेकिन रौनक को नींद नहीं आई। तब उसने देखा कि एक छोटी सी गुड़िया अपने छोटे छोटे कदमों को चलते हुए उसके करीब आ रही है, पर उसकी आंखें कभी लाल होती, कभी पीली तो कभी नीली। उसे देखकर तो रौनक बहुत डर गया था। उसे लगा कि मानो ये गुड़िया अब उसे खाने ही वाली है। वो बिल्कुल भी बोलने में असमर्थ हो गया और तब उसने देखा कि उस गुड़िया के कान से खून बह रहा था और नाक से अजीब तरह के बाल निकल रहे थे जो कि बहुत ही डरावने लग रहे थे। उसे देखकर रौनक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसने तुरंत ही अपने पापा को फिर से जगाया और इस बार जब पापा जागे तो उन्होंने भी गुड़िया को देखा और उन्होंने कहा कि रौनक तुम सही कह रहे थे। अब उसके पापा भी थोड़े सहम से गए। फिर उस गुड़िया ने उनसे कहा कि रौनक को मेरे पास भेजो। रौनक ये सुनकर बहुत डरा हुआ था। रौनक ने बोला, मैं नहीं आऊँगा। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। रौनक के पापा ने गुड़िया से पूछा कि तुम उसे क्यों बुला रही हो। तब उसने जवाब दिया कि ये लंबी कहानी है, पर मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं पहले एक लड़की थी और मुझे भी गुड़ियों से बहुत प्यार था। जब भी मेरे पापा बाजार जाते थे तो मैं उनसे गुड़िया लाने के लिए कहती और पापा मुझे गुड़िया लाकर दे देते थे। मैं खेलकर गुड़िया को कहीं फेंक देती थी और फिर नई गुड़िया के लिए अपने पापा से बोलती थी। तब पापा बोलते थे कि कल ही तो नई गुड़िया लाया था। मैं फिर जब रोने लगती थी तो फिर वो मेरे लिए नई गुड़िया ले आते थे। एक दिन जब पापा कहीं गए हुए थे उस समय मैं घर के दरवाजे पर बैठकर गुड़िया के साथ खेल रही थी। तभी मेरा उस गुड़िया से मन भर गया और मैं उसे नोच नोच कर तोड़ने लगी और उसके बाद उसे फेंकने लगी। तभी कोई अजीब सा साधु जैसा दिखने वाला आदमी, या शायद तांत्रिक, मेरे पास आया और मुझसे बोला कि जैसे तूने इस गुड़िया को नोच कर फेंका है वैसे ही मैं अब तुझे भी गुड़िया बना दूंगा और तुझे काफ़ी बुरा चेहरा दूंगा। तेरे चेहरे से हमेशा खून बहता रहेगा और तू बहुत बुरी लगेगी। फिर मैंने उस तांत्रिक से कहा कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब किसी गुड़िया को नहीं नोचूंगी। तब उस तांत्रिक ने कहा कि मेरे श्राप से तो गुड़िया तो अवश्य बनेगी। यदि तुझे श्राप से मुक्त होना है तो तुझे भी गुड़िया के वेश में रहकर छोटे बच्चों को डरा कर अपना गुड़िया का रूप नोचवाना होगा और जब भी वो बच्चा तुझे नोच कर फेंक देगा तब तू छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़कर अपने असली रूप में आ जाएगी। तब से मैं श्रापित गुड़िया के नाम से हर बालक को डरा कर उसके पास जाती हूँ, लेकिन मुझे देखकर सब भाग जाते हैं और मैं लड़की नहीं बन पा रही हूँ। इसीलिए आप रौनक को मेरे पास भेजकर मुझे नोच कर फेंकने को कहें, जिससे मुझे मेरा असली रूप प्राप्त हो जाए।
गुड़िया की बात को सुनकर रौनक के पापा ने उसे गुड़िया के पास जाने को बोला, लेकिन रौनक उसके पास जाने को राजी नहीं हो रहा था। फिर उसके पापा ने कहा कि मैं हूं ना बेटा, कुछ नहीं होगा। फिर रौनक धीरे धीरे उस गुड़िया के पास जाता गया और उस गुड़िया को उसने नोचकर फेंक दिया। उन टुकड़ों से एक सुंदर लड़की बन जाती है और फिर वो उड़कर उनके सामने से चली जाती है और आकाश मार्ग से जाते हुए कहती है कि तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई, इसलिए मैं हमेशा तुम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी। इसके बाद वो लड़की कहीं गायब हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो पर एम करते हैं 300 लाइक्स के लिए। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।